हेलो गाइस, विक माय टूर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और आज मैं आपको लेके आया हूँ वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में। और जहाँ पे ये वो पैकेज है जहाँ पे पटेल इन्फ्रा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो आज मैं इसकी पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारतमाला परियोजना का ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का ये पैकेज 3 है। आज मैं आपको एक्सप्रेसवे के साथ साथ वे साइड एमिनिटीज़ के बारे में भी पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का कंस्ट्रक्शन काम करजन और भरूच के बीच में किया जा रहा है। पैकेज 3 की टोटल लेंथ 31 किलोमीटर की है, जिसे पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोड का काम यहाँ पर ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है और स्ट्रक्चर का काम भी लगभग कम्प्लीट हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत देश में कई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको उस जगह पे ले चलता हूँ जहाँ पे वर्ल्ड क्लास वेस्टसाइड एमिनिटीज़ का कंस्ट्रक्शन काम जारी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर वेस्टसाइड एमिनिटीज़ बनाई जा रही है और इन वेस्टसाइड एमिनिटीज़ में कई विश्व स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि कुछ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पे फुल स्पीड से जारी है। और यहाँ पर ट्रोमा सेंटर बिल्डिंग, डॉर्मेट्री बिल्डिंग, ढाबा 1, ढाबा 2, ये सारी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन काम फुल स्पीड में जारी है। ये वेस्ट साइड एमिनिटीज टोटल 100,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाई जा रही है। ट्रक चालकों की सुविधा के लिए यहाँ पर ट्रकों और ट्रेलरों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी और ट्रक चालकों के लिए ठहरने के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध होगी। और इसके साथ साथ ऑटो वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, शौचालय, स्नानघर, ढाबा, दुकानें, मेडिकल सर्विस जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होगी। और इसके साथ साथ इमरजेंसी की स्थिति में तत्कालीन मदद के लिए यहाँ पर हेलीपैड की सुविधा भी उपलब्ध होगी। और यहाँ पर ट्रोमा सेंटर और डोरमेट्री और ढाबा 1 के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों पहले हम चलते हैं ट्रोमा सेंटर बिल्डिंग की ओर, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना बाकी है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम एंटर होते हैं, एंट्रेंस है इसका, और यहाँ से एंटर होके हम अंदर की ओर जाएंगे और अंदर भी देखेंगे कि यहाँ पे अंदर कितने रूम्स रेडी हो गए हैं, कितना काम बाकी है, कितना कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग सारे रूम, जितने भी रूम बने हुए हैं, उसमें सभी में प्लास्टर हो चुका है। कुछ ही रूम ऐसे हैं जिसमें प्लास्टर का काम अभी जारी है। और सामने डॉर्मेट्री बिल्डिंग है और इसके बगल में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ढाबा 2 का भी निर्माण कार्य यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं डॉर्मेट्री की ओर और वहाँ पे भी देखते हैं कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना बाकी है।
और यहाँ से इसका एंट्रेंस है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लगभग जितने भी रूम्स हैं उसमें लगभग पूरी बिल्डिंग में यहाँ पे प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे फ्लोर टाइल्स लगाने का काम भी स्टार्ट हो चुका है। वे साइड एमिनिटीज़ का कंस्ट्रक्शन काम जल्द से जल्द कंप्लीट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हाईवे की ओर। हाईवे का भी अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे दो फरवरी 2021 को पटेल इंफ्रा ने रोड कंस्ट्रक्शन के इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें पटेल इंफ्रा ने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में 2 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले कंक्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन काम सिर्फ 24 घंटे में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और पटेल इंफ्रा द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी 17 सितंबर 2021 को यहाँ पे आए और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का जायजा लिया। सामने जो पेवर देख रहे हैं वो वर्ल्ड का फर्स्ट पेवर है। इसे पटेल इंफ्रा द्वारा स्पेशली जर्मनी से मंगाया गया है, जिसकी विड्थ 18.7 मीटर की है। यानी ये पेवर एक बार में 18.75 मीटर विड्थ में लेइंग करने की क्षमता रखता है। इसी पेवर से लेइंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की जो रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।